ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान समेत 9 अधिकारियों के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। रईसी का जाना ईरान के लिए अभी तक का सबसे बड़ा झटका है। हालांकि ईरान ने इस हेलीकॉप्टर क्रैश को एक हादसा माना है जो तकनीकी खराबी और खराब मौसम की वजह से हुआ है, लेकिन अब इसको लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे देखकर लगता है कि कहीं रईसी की मौत एक बड़ी साजिश तो नहीं है। अगर ये साजिश है तो क्या ये साजिश ईरान के भीतर से रची गई या फिर विदेशी ताकतों ने रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश कराया। दरअसल 19 मई 2024 को अजरबैजान से वापसी के वक्त रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान के पूर्वी प्रांत और अजरबैजान में क्रैश हो गया था। उनके हेलीकॉप्टर के साथ 2 और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे, लेकिन एक झटके में रईसी का हेलीकॉप्टर कहीं गायब हो गया है और करीब 30 मिनट बाद अन्य 2 हेलीकॉप्टरों के पायलट को एहसास होता है कि रईसी का हेलीकॉप्टर उनके साथ नहीं और वो तुरंत यू टर्न लेकर वापस उसे ढूंढने आते हैं, लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर का कोई अता पता नहीं होता है। दरअसल रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस खराब मौसम का हवाला दिया जा रहा है उसको लेकर ईरानी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ गोलम हुसैन इस्माइली ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी IRNA को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि उस वक्त मौसम साफ था, वहां पर ऐसा कोई मौसम नहीं था जो चिंता करने वाला हो। आधे घंटे के बाद हवा में सुनगुन कॉपर माइन पहुंचने से पहले बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा आया था। बड़ी बात यह है कि इस्माइली भी उन 2 हेलीकॉप्टरों में से एक में सवार थे। उड़ान के वक्त कोहरे को लेकर जब सवाल पूछा गया तो इस्माइली ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, वहां जमीन पर कोहरा था, लेकिन हवा में जिस तरफ हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे वहां कोहरा नहीं था, वहां पर एक चट्टान के ऊपर बादलों का एक छोटा टुकड़ा था। रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के पायलट ने हमें निर्देश दिया कि हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर बढ़ाया जाए और बादलों के ऊपर के ले जाना जरूरी रखा जाए। इस्माइली का कहना है कि उनके साथ जो लोग थे उन्हें अत्यधिक अशांति का एहसास नहीं हुआ और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हमें कोई बदलाव नहीं दिखे। इस्माइली का कहना है कि खराब मौसम को लेकर कोई भविष्यवाणी भी नहीं की गई थी और जब हमें एहसास हुआ कि हमारा पायलट यू टर्न लेकर जा रहा है तो हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि एक हेलीकॉप्टर लापता है। इस्माइली ने आगे कहा, हमारे पायलट ने उस इलाके में आसपास कई बार चक्कर लगाए, लेकिन बादलों के पैच वाला वो इलाका हमारे लिए अदृश्य हो गया था और उस क्षेत्र में घुसना बहुत खतरे से भरा था। हम रईसी के हेलीकॉप्टर से रेडियो संपर्क बनाने में कई बार विफल रहे। हमें जांच के लिए 30 सेकंड के बाद सुंगुनु तांबे की खदान पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस्माइली ने आगे बताया कि उड़ान के वक्त उन्होंने लगातार गायब हुए सभी लोगों और अन्य यात्रियों को फोन किया। कुछ समय बाद हम में से किसी ने राष्ट्रपति को ले जा रहे कैप्टन के फोन पर फोन किया और किसी ने फोन उठाया। वो आयतुल्ला हाशिम था जो शुक्रवार तबरीज के इमाम थे। उन्होंने हमें बताया कि वो स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमें फोन पर कुछ विशेष नहीं बताया। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ था तो उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो अपने चारों तरफ खुद को पेड़ों से घिरा देख सकते हैं। और जब उनसे अन्य लोगों के हालात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनमें कोई दिख नहीं रहा और वो अकेले हैं। और इसके बाद आयतुल्ला हाशिम की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर रईसी के अमेरिकी हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे उसका नाम बेल 212 था जो करीब 30 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसको लेकर वाडिम बाजिकिन जो एक रूसी हेलीकॉप्टर टेस्ट पायलट है उन्होंने रूस की न्यूज एजेंसी स्पूतनिक को बताया कि यूएस बेल 212 हेलीकॉप्टर काफी विश्वसनीय है, हालांकि पुराना, संभवतः उसमें नए इंजन लगे हुए थे। ऐसे में अचानक से बादलों का आना और फिर एक झटके में बादलों का वो पैच का गायब हो जाना कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है।